हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए कुछ स्पेशल ब्लॉग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग दूर दूर से जाने कहाँ कहाँ से संगम में आते हैं, यहाँ जल भरते हैं और कांवर लेकर के बहुत दूर दूर जाते हैं जल चढ़ाने। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाऊँगी और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे कांवर वाले जा रहे हैं यहाँ संगम से जल भर के और जाएंगे। कोई बनारस जाएगा, कोई देवघर जाएगा, हर जगह लोग जाएंगे जल चढ़ाने। तो चलिए, आज का ब्लॉगिंग कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो मैं आपको सारी अपडेट देती हूँ यहाँ। देखिए, मेरे पीछे अभी भी लोग जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग कैसे गाजे बाजे के साथ नाचते हुए भोलेनाथ की भक्ति में मस्त होकर कांवर लेकर के जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और ये शास्त्र ब्रिज है झूसी का, जिस पर आप देख सकते हैं कितने भारी तादाद में लोग कांवर लेकर के जा रहे हैं कांवरिया भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर पूरा एक महीना सावन तक पुल पे ऐसे ही कांवरिया वालों की तादाद लगी रहेगी भारी संख्या में। और ये रात में ही नहीं, दिन में भी आप आएंगे तो दिन में भी आप देखेंगे कि लोग कांवर लेके कड़कती धूप में चलते चले जाते हैं, वो भी नंगे पैर। बस वही है कि भक्ति में शक्ति है, भोलेनाथ की भक्ति में लोग इतना विलीन हो जाते हैं कि उनको धूप का भी नहीं एहसास होता और वो कांवर लेकर जल चढ़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग पुल पर दिख रहे हैं आपको। और ये सब जो है कांवर लेकर जाने वाले हैं। कोई बनारस जाएगा, कोई देवघर जाएगा, कोई यहाँ पे इलाहाबाद में पड़ेलन महादेवन का मंदिर है फाफा मऊ में, वहाँ पे कोई जाएगा जल चढ़ाने। तो इस तरह से लोग जल चढ़ाने के लिए सावन में यहाँ जाते हैं संगम से गंगा जल लेकर के, बोल बम करते हुए भोलेनाथ की भक्ति में विलीन होकर। पर तो चलिए, हम भी इन सब के साथ भोलेनाथ की भक्ति में मग्न होकर के इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। और आगे की जो अपडेट होगी मैं आपको ऐसे ही देती रहूँगी। तो चलिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। आप देखिए सब कैसे कांवरिया मस्त होकर के भोलेनाथ की भक्ति में नाचते गाते बजाते चलते चले जा रहे हैं कांवर लेकर के जल चढ़ाने के। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है कि इस पुल पे पूरा एक महीने तक वन वे रूट रहता है। मतलब एक साइड से ही गाड़ियाँ जाएंगी भी आएंगी भी, और एक साइड का पूरा पुल कांवरिया वालों के लिए खाली कर दिया जाता है कि इनको किस तरह की कोई दिक्कत ना हो और ये आराम से जल चढ़ाने के लिए जा सके। और आप देख सकते हैं इस जत्थे में कि बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग माताएँ, हर मतलब हर कोई आपको दिखेगा भोलेनाथ की भक्ति में मस्त और जल चढ़ाने के लिए जाता हुआ। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से झांकियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और ऐसे ही लोग नाचते गाते बजाते भोलेनाथ के दर्शन को निकल पड़े हैं, आप देख सकते हैं। हकीकत बताऊं तो इस समय यहाँ का माहौल ऐसा हो रखा है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो पूजा पाठ या भक्ति में विश्वास नहीं रखता है और वो अगर यहाँ आ जाए तो एक बार उसके ना मुँह उसे भी बोलबम तो निकल ही जाएगा। मतलब इस तरह से माहौल यहाँ बन रखा है कि कोई भी इंसान हो, यहाँ आने के बाद वो भोलेनाथ की भक्ति में विलीन हो ही जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब ये पुल का रास्ता ख़त्म हो रहा है और यहाँ से रोड शुरू हो गई है। और ये रूट आपको बनारस और जौनपुर साइड लेकर के जाता है। और पूरे पुल पे तो आपने देखा ही कांवरिया वालों का जत्था, और ये आप अब पूरी रोड पे भी देख सकते हैं। और ये जगह जगह जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं अपना टेंट वगैरह लगा करके कांवरियों के लिए पानी वगैरह और ठहरने के लिए सुविधा किए रहते हैं कि चलते चलते वो थक जाए या उन्हें पानी की ज़रूरत हो या किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो वो उनकी हेल्प कर सकें। तो अपनी श्रद्धा भक्ति है, इंसान अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से सहयोग के लिए आगे आता है कांवरिया वालों के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, आपको रोड पे भी पूरे कांवरिया ही दिख रहे हैं, लोग बोलबम कर जयकारा करते हुए चलते चले जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं वीडियो में, ये आप देख सकते हैं कितनी बुज़ुर्ग माता हैं जो चली जा रही हैं जल चढ़ाने के लिए। लिखा हो सकता है गाड़ी वगैरह की शोर की वजह से मेरी वॉइस आपको थोड़ा कम समझ में आ रही हो, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अपडेट दे पाऊँ यहाँ की।
और ये देखिए यहाँ पे भी कांवड़िया वालों के लिए सुविधा है पानी वगैरह की, कि अगर उन्हें पानी वगैरह पीना हो, ठहरना हो, तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं। आई होप आपने मेरे इस व्लॉग को बहुत ही इंजॉय किया होगा। अगर आपने मेरे इस व्लॉग को इंजॉय किया और मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। बोल बम बम।